देखिए यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज जो 1929 से हर साल एक फंक्शन कराती है जहाँ पे वो अवार्ड्स देती है जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं और हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो ये अवार्ड्स देता कौन है और इस अवार्ड के विनर डिसाइड कैसे होते हैं? देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 7,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर है जो कि जज की तरह एक्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए और जो जिस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है वो उसी कैटेगरी में वोट देकर विनर डिसाइड करता है। देखिए यूएस का अवार्ड फंक्शन है जिसमें 23 कैटेगरीज के लिए अवार्ड मिलते हैं और इन 23 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है बेस्ट मूवी फॉरेन लैंग्वेज। इस एक कैटेगरी के लिए सारी कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज से मूवी नॉमिनेट करके ऑस्कर में भेजती हैं और ये जो बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज वाली कैटेगरी है इसमें हॉलीवुड की कोई भी मूवी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर डायलॉग्स 40% से ज्यादा इंग्लिश में हो तो मूवी रिजेक्ट हो जाती है और अगर कोई कंट्री बाकी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसके लिए आपकी मूवी यूएस कमर्शियल थिएटर में एटलीस्ट 7 दिन तक चली होनी चाहिए। जब कंट्रीज अपने नॉमिनेशन भेज देती हैं फिर ऑस्कर के रजिस्टर्ड मेंबर वोटिंग करके टॉप 10 मूवी सेलेक्ट करते हैं। उन टॉप 10 में से टॉप 5 सेलेक्ट होती हैं और उन टॉप 5 में से एक मूवी जीतती है ऑस्कर।